इंदौर के एमजीएम कॉलेज में हैलोवीन पार्टी पर जबरदस्त हंगामा हो गया। दरअसल मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने किंग एडवर्ड हॉल में हुई पार्टी का विरोध करते हुए आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आपको बता दें कि हैलोवीन पार्टी में बीजेपी नेता अक्षय बम और स्वप्निल कोठारी भी शामिल थे। टीचर्स एसोसिएशन ने पार्टी के बाद हॉल का शुद्धिकरण कराया था। तो ये देखिए, हैलोवीन पार्टी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और उसमें हैलोवीन पार्टी में जोरदार हंगामा हुआ है। एमजीएम कॉलेज में इसका आयोजन किया गया था। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने इसका विरोध किया और आयोजकों के खिलाफ एफआईआर की बात की गई है। इसमें बीजेपी नेता अक्षय बम भी नजर आ रहे हैं। ओ स्त्री कल आना, दीवारों पर डरावने मैसेज, नकली कब्र खजाने वाली संदूकें, हेलोवीन पार्टी पर हंगामा, भूतिया पार्टी पर बवाल। इस बिल्डिंग में एंट्री करते ही पहला मैसेज दीवार पर नजर आता है, ओ स्त्री कल आना। देखकर कोई भी डर जाए। अब अगली तस्वीर जो और डरावनी है, एनावेल, मकड़ी का जाला भी, खून की बोतल भी, नकली कब्र और खजाने वाली संदूकें भी, कुछ हड्डियां भी। ये देखकर ही किसी की रूह कांप जाए। जाले भी लगाए गए हैं। शायद आपको भी लग रहा होगा, क्या कोई हॉन्टेड हाउस है, यानी कोई भूतिया घर, या फिर यहाँ किसी हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, यहाँ हैलोवीन पार्टी मनाई गई, यानी भूतिया पार्टी, जिस पर बवाल मचा है, हंगामा हुआ है। अब हंगामा क्यों हुआ, पार्टी किसने मनाई और ऐतराज किसे है? दरअसल ये बिल्डिंग इंदौर की ऐतिहासिक धरोहर है। शहर के बीचों बीच एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल अपने समय का बड़ा मेडिकल कॉलेज था। इस बिल्डिंग को देखने के लिए जेसीएस ग्रुप ने परमिशन ली। जैन सोशल ग्रुप के सदस्यों ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित से किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को एक क्विज कॉम्पिटिशन के प्रोग्राम के लिए अनुमति ली थी, लेकिन आरोप है कि यहाँ भूतिया पार्टी की गई। इस विषय पे मेरे संज्ञान में आया है, क्योंकि हम लोगों ने उनको पार्टी की कोई अनुमति नहीं दी थी। उनको सिर्फ उस बिल्डिंग के अंदर जाके उसको अंदर से देखना चाह रहे थे, क्योंकि एक प्राचीन स्मारक है और इसी विषय पे उनको ही अनुमति दी गई थी। मेरे को अभी इस विषय पे संज्ञान में आया है और इसका हम लोगों ने उसी समय उसी दिन उस सब कार्रवाई के लिए उनको मना किया गया था। वो ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मैं इस विषय पे इन्वेस्टिगेट करके आवश्यक अनुसार कार्रवाई करूं। इस पार्टी से सबको ठेस लगी। उसके बाद गंगाजल से पूरी बिल्डिंग का शुद्धिकरण किया गया। अब मामले की जांच चल रही है। भाई ऐतिहासिक धरोहर है ये बिल्डिंग, हॉन्टेड हाउस नहीं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सर छुट्टी होने के बाद भी रोकते हैं, कभी हाथ पकड़ते हैं, ये संगीन इल्जाम लगाया है एक स्कूल की छात्राओं ने। प्रिंसिपल पर लगा है छेड़खानी का संगीन इल्जाम। एक और शहर है जहां पर प्रिंसिपल का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद मचा बवाल। कथित ऑडियो में स्कूल की मैडम से सर कर रहे हैं गंदी बात। रूम में कोहराम मचा है, ये भीड़ प्रिंसिपल की जमकर धुनाई कर रही है। आखिर किस बात का गुस्सा उतारा जा रहा है? इधर स्कूल के बाहर भी जमकर हंगामा हो रहा है। रायसेन के बरेली थाना इलाके के चार गांव का ये मामला है। इस स्कूल के प्रिंसिपल पर लगे हैं संगीन इल्जाम, आरोप छेड़छाड़ का। इल्जाम की छुट्टी होने के बाद सर लड़कियों को जबरन रोकने की कोशिश करते हैं, आरोप की उनका हाथ भी पकड़ लेते हैं। सर, ये 20% तो ये आप लोग यहाँ पे करते हो क्या, ये आए दिन ऐसे ही करते हैं क्या? यस सर।
क्या करते हैं सर? ये लड़कियों का हाथ पकड़ लेते हैं और लड़कियों से पूछते हैं यहाँ रुक जाओ, छुट्टी होने के बाद जाना, छुट्टी हो जाती है जब भी रोकते हैं लड़कियों को। इस बात की खबर जब पेरेंट्स को लगी तो ऐसा गुस्सा प्रिंसिपल पर उतारा, पेरेंट्स का सवाल कि स्कूल में ये क्या हो रहा है। ये सवाल तो सीधा बच्चियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। 5 मिनट रोको सर, कौन सा नियम है कि स्कूल छुट्टी होने के बाद ही बच्चियों को रोकते हैं? रोकना है लड़कों को रोको, कुछ काम है तो यहाँ पे एक रहता है प्यूनर, उसको रोको सर। बच्चियों का कौन सा काम होता है? आज हमारी बच्चियों 4-5 बच्चियों के साथ हुआ है सर, अभी और कुछ हो जाएगा सर, हम क्या काबिल हो जाएंगे, हमको जेल खाना पड़ेगा। मौके की नजाकत को भांपते हुए पुलिस वाले स्कूल पहुँचे, छेड़छाड़ के आरोप में प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया। प्रिंसिपल राम सेवक द्विवेदी पर ये संगीन इल्जाम लगे हैं। मारपीट करने वाले के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। चार गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि चार गांव हाई स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा किसी नाबालिग बच्चे के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जो पुलिस बल मौके पहुंच करके और नाबालिग बच्चे की रिपोर्ट पर से प्रिंसिपल के खिलाफ में छेड़छाड़ का अपराध पंजीबद्ध करके और प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है। सर क्या कुछ प्रकरण बना था? छेड़छाड़ में मुकदमा पंजीबद्ध किया है, प्रिंसिपल को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और प्रिंसिपल के साथ ही ग्रामीणों ने मारपीट किया था, जिनके विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है। रायसेन के बाद उज्जैन की तस्वीर। उज्जैन के पास माकड़ोन तहसील में एक निजी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल का विवादित ऑडियो वायरल होने के बाद हंगामा हुआ। निजी स्कूल के प्रिंसिपल दिलीप शर्मा पर कथित तौर पर अपने स्टाफ की एक महिला टीचर के साथ अश्लील बात करने का आरोप लगा है। 16 मिनट के ऑडियो में प्रिंसिपल को महिला स्टाफ पर अभद्रता कमेंट और व्यक्तिगत संबंधों की बातें करते हुए सुना जा सकता है। ऑडियो में आपत्तिजनक बातें हैं जिसे हम आपको सुना नहीं सकते। ऑडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय हिंदूवादी संगठन ने स्कूल में प्रदर्शन किया। विवाद बढ़ता देख स्कूल संचालक ने कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल दिलीप शर्मा समेत 4 लोगों को स्कूल से बर्खास्त कर दिया। मामले की जांच जारी है। रायसेन में दिनेश यादव और उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कार के बोनट पर कानून सरेराह सरेआम बेखौफ बदमाश की तस्वीर कैद हुई है, जिसने एक पुलिस वाले को कुचलने की कोशिश की। कार की बोनट पर पुलिस वाला था और कार तेजी से दौड़ रही थी। हैरानी देखिए, 4 दिन बाद FIR हुई। सवाल है कि FIR में इतनी देरी क्यों हुई? कार की बोनट पर कानून, बिना नंबर की कार, पुलिस वाले पर प्रहार, बोनट पर पुलिस वाला, दौड़ती रही कार। 4 दिन बाद क्यों दर्ज हुई FIR? 6 दिन बाद पुलिस खाली हाथ। तस्वीरें धुंधली जरूर हैं, लेकिन ये तस्वीर किस किस को आईना दिखा रही है वो आपको आगे बताएंगे। चलता फिरता इलाका है, ट्रैफिक भी ज्यादा है। ठीक इसी CCTV फुटेज में एक ऐसी तस्वीर कैद हुई जो रोंगटे खड़े कर देती है। लाल रंग की कार नजर आती है जो सर पर दौड़ रही है। क्या आपको कुछ नजर आया? लाल रंग की कार के बोनट पर ट्रैफिक सिपाही है। ट्रैफिक सिपाही को कुचलने की कोशिश की गई। ट्रैफिक सिपाही इस टक्कर से सीधे बोनट पर जा गिरा। उसके बाद भी लाल रंग की कार रुकी नहीं, बल्कि 100 मीटर तक तेजी से कार सवार ने गाड़ी दौड़ाई। सड़क पर लाल कार की रफ्तार लोगों को भी डरा रही थी। तीनों एंगल से ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर देखिए, बेखौफ बदमाश की तस्वीर जिसने कानून की ऐसी धज्जियां उड़ाई। इधर लोग भी हैरान थे, कार के पीछे एक पुलिस वाला भी दौड़ लगा रहा कि कैसे भी हो उसके साथी की जान बच जाए। कुछ दूरी पर 100 मीटर तक तेजी से गाड़ी चलने के बाद सिपाही नीचे जा गिरा, 10 मिनट तक बेहोश रहा। दरअसल 10 अक्टूबर की शाम ग्वालियर के माधव नगर चौराहे पर शाम को पुलिस की चेकिंग लगी थी। ASI सतीशन सुधाकरन, सिपाही राकेश और झांसी रोड ट्रैफिक थाने के सिपाही ब्रजेंद्र सिंह तैनात थे। चेकिंग के दौरान शाम 5 बजे AG ऑफिस पुल की तरफ से बिना नंबर वाली
लाल रंग की एक कार तेजी से आई। सिपाही ब्रिजेंद्र सिंह ने कार चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने रुकने की बजाय गाड़ी की स्पीड तेज कर दी और सिपाही ब्रिजेंद्र सिंह पर ऐसे हमला बोला। अब इस तारीख पर फिर से गौर कीजिए, 10 अक्टूबर, लेकिन FIR दर्ज हुई 14 अक्टूबर को। सवाल है कि FIR में इतनी देरी क्यों हुई? क्या महकमे को सिपाही की बातों पर यकीन नहीं था? बदमाश कानून को रौंदते हुए निकल गया, लेकिन अब तक इस बिना नंबर की लाल कार और ड्राइवर का सुराग हाथ नहीं लगा है। आखिर कहां चूक हुई? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लाठी चले, पत्थर बरसाए गए और दी गई धमकी। हमले के बाद फरियादी का परिवार दहशत में है। आखिर अदावत की ये कहानी क्या है? अगर आप सोच रहे होंगे कि कोई पुरानी दुश्मनी है तो जानकर हैरान रह जाएंगे। चूहे को लेकर मचा है बवाल, देखिए रिपोर्ट। चूहे पर चकल्लस, मचा बवाल। लाठी से वार, पड़ोसी पत्थरबाज। दहशत में परिवार इंसाफ की गुहार। मरे चूहे पर कोहराम। कोहराम हंगामे की ये लाइव तस्वीर देखिए। गुस्सा सातवें आसमान पर है, खून में उबाल है। तैश में आए ये लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। लाठी से हमला किया जा रहा है, आरोप है कि पत्थर भी बरसाए गए। इस वीडियो में कुछ बच्चों के रोने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। समझ सकते हैं आप किस कदर परिवार डरा और सहमा हुआ है। इस तस्वीर को देखकर आप भी सोच रहे होंगे, रंजिश की कहानी पुरानी होगी या फिर अदावत के किस्से की कहानी के पीछे जरूर कोई बड़ी बात होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि चूहे को लेकर ये बवाल मचा है। चूहे को लेकर कोहराम मचा है, सही सुना आपने। 49 सेकंड का ये वीडियो है जिसमें हमले की लाइव तस्वीर देखिए, लेकिन इसी वीडियो का पहला फ्रेम आपको दिखाते हैं। झगड़ा फसाद की जड़ यही है। ये शख्स इस जगह से एक मरा हुआ चूहा उठाकर ला रहा है। अब ऐसा क्यों? तो मरे चूहे पर ही बवाल मचा है। चूहे पर चिकल्लस हुई, फिर कोहराम मचा। विदिशा की उदयनगर कॉलोनी, इस कॉलोनी में रहने वाले देवेंद्र नरवरिया के घर चूहा मर गया। मरे चूहे को देवेंद्र ने खेत में जाकर फेंक दिया। बस यही है फसाद की जड़। 20 साल से अपन रह रहे हैं। आज का सुबह का मामला ये था कि घर पे चूहा मर गया था, तो उस खटके से चूहा मैंने निकाल के एक खेत में, सामने खेत है, रोड के आगे जाके खेत है शर्मा जी का, उस खेत में जाके मैं चूहा फेंक आया। कॉलोनी में रहने वाला ये शख्स जो मरा चूहा उठाकर ले जा रहा है, मरे हुए चूहे को लेकर पड़ोसी देवेंद्र से विवाद करने लगा कि उसके घर के सामने चूहा फेंका तो फेंका कैसे, अब वो चूहा उठाएगा और पड़ोसी देवेंद्र के घर फेंकेगा। तो इतने में ब्रजेश दांगी आगे निकल के मुझसे कहता है, भाई तुम मेरे घर के सामने क्यों फेंक रहे हो? मैंने बोला, भैया आपके घर के सामने मैंने नहीं फेंका है, ये मैंने जो है खेत में फेंका है। इसके बाद जो है वो बोलता है कि अब मैं तुम्हारे घर पे फेंकूंगा। मैं बोला, भैया आप घर पे फेंक दीजिए, मैंने कहा इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे घर पे फेंक दीजिए, वैसे मैंने आपके घर पे नहीं फेंका है। मामला यहाँ शांत नहीं हुआ, बल्कि छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया। आरोप है कि अपने समर्थकों को बुलाकर फरियादी देवेंद्र के घर हमला बोला गया मरे हुए चूहे फेंकने पर। इतना कह के वो जो है उस चूहे को वहाँ से उठा के लेके आता है, जिसकी वीडियो मेरे पास है, उस चूहे को अपने गेट पे रखता है और मैं फिर अपनी गाड़ी धोने लगता हूँ कार, और वो जो है पूरे मतलब जो है सब लोगों को फोन लगाता है। इसमें जो लोग वीडियो में आए हुए लोग हैं, इसमें उनके जो विदिशा भाजपा के जिला पंचायत सदस्य धनराज दांगी जी हैं और उसका भतीजा भतीजा है उसका, बोलते हैं कि आप जहाँ से आए हो, भिंड से आए हो, तुमको भिंड ही पहुँचा देंगे और तुमको बोरे में बंद करके वहाँ पे भेज देंगे, तुम यहाँ पे रह नहीं पाओगे, या तो तुमको मकान बेचना पड़ेगा या तुमको खाली करना पड़ेगा। फरियादी का परिवार डरा सहमा हुआ है जो इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मैंने अभी थाने में आवेदन दिया है और मैं थाना प्रभारी महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि इस तरीके की कभी वारदात न हो। हमारे परिवार के अंदर, घर वालों के अंदर भय व्याप्त है कि ये लोग कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं। कैसी छोटी सी बात बिगड़ते देर नहीं लगी, ये बवाल कई सवाल खड़े कर रहा है। इतना गुस्सा क्यों है भाई? रायसेन में दिनेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।